श्री विश्वंभर विश्वंभर प्रसाद निषाद जी, माननीय लगभग 9 मिनट आपके पास है। आप जी, हम समय से अपना पूरा कर देंगे। महोदय, आपने बजट पे बोलने का मौका दिया है। अभी हम माननीय पक्ष विपक्ष के सभी सदस्यों को सुन रहे थे। जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में बाजीगरी की है, इन्होंने पूरा जो चुनाव में भाषण किया था, वही चुनावी भाषण को पूरा बजट में, हमने पूरा बजट जो है सुना था माननीय वित्त मंत्री जी का, वही पूरा चुनावी बजट जो चुनावी घोषणाएं बताने का काम किया है। लेकिन उसके अंदर कोई, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो या किसी भी सेक्टर का व्यक्ति हो, उसका कोई इंजाम नहीं किया है। बजट में केवल आंकड़ों की बाजीगरी की गई है। इन्होंने इनकम टैक्स में कहा कि हम 5 लाख तक का लोगों को टैक्स ले लेगा, लेकिन स्लैब में कोई चेंज नहीं किया है। और इसके अलावा जो अभी माननीय कपिल सिब्बल साहब बता रहे थे कि जिन्होंने डीजल पेट्रोल में दाम बढ़ाए हैं, उससे तो किसान और मजदूर की तो कमर टूट गई। हमारा कृषि प्रधान देश है, डीजल से के बिना किसान खेती होती नहीं। तो किसानी के समय अगर डीजल के दाम बढ़ा दिया जाए तो किसान आत्महत्या करेगा, मरेगा। मनरेगा आज हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में जो मजदूरों की दैनिक मजदूरी है, बाजार रेट पे मांग चली आ रही है कि बाजार रेट पे किया जाए। आप 182 रुपया मनरेगा मजदूर को किए हैं, 100 दिन काम देंगे तो बाकी दिन क्या करेगा मजदूर? भूखों मरे क्या? तमाम लोग आत्महत्या करते हैं, पलायन करके चले जाते हैं। हमारे बुंदेलखंड का तो बहुत बुरा हाल है। आपने साधियों को उपक्रम बेचने का फैसला किया है, BSNL एयर इंडिया से लगा के तमाम जितने उपक्रम उनको बेचने का काम किया है। चुनाव के पहले 2000 पहले रामलीला मैदान में बड़े जोर से एक आया था कि लोकपाल बिल लाएंगे। अब 5 साल तो लोकपाल बिल नहीं आया। अब लोकपाल बिल का इसमें बजट में कोई चर्चा नहीं कि हम पारदर्शिता करेंगे। रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, जिससे करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ेगी। रक्षा मंत्रालय का बजट घटा है। आधुनिक अगर हमारे पास हथियार नहीं होंगे, कैसे हम दुश्मनों से हमारे सैनिक रक्षा करेंगे? आप उनके लिए कंजूसी मत करिए। और ये बजट हमारे सैनिकों के खिलाफ गया है। नीति आयोग के अनुसार 70% पानी जो है हमारे देश का प्रदूषित है। प्रदूषित पानी पी करके लोग बीमार हो रहे हैं। मानवर RBI ने जो जानकारी दी है, पिछले 5 साल में 1 लाख करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। और यह सरकार पूरी तरह से जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनका आरक्षण खत्म करने जा रही है। क्योंकि जितने भी देश में वैकेंसियां हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में कर रही है। विश्वविद्यालय में चालू किया, 13 पॉइंट रोस्टर चालू किया। इसी तरह से हम तो सुझाव दे रहे हैं, जितना विज्ञापन में इन्होंने, शांति रखें, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कृपया, विज्ञापन में जितना खर्चा कर रहे हैं, विदेश यात्रा में खर्च कर रहे हैं, उसमें बजट में कटौती करके गरीबों को, मजदूरों को देने की व्यवस्था करना चाहिए। जितना इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में विज्ञापन में बजट दिया, उतना उनको शौचालय में बजट नहीं दिया गया। और पानी का कोई इंतजाम नहीं। और सबसे बड़ी समस्या जो है, स्वच्छ भारत अभियान है, हम सफाई करेंगे लेकिन कचरा कहाँ फेंकेंगे? कचरा के निस्तारण की क्या व्यवस्था है? उसके लिए आपने कोई व्यवस्था की? फिर वही कचरा घूम करके फिर हवा चलेगी, फिर वहीं आ जाएगा, नाली में आ जाएगा। उसके कोई व्यवस्था नहीं है। मानो शिक्षा विभाग में बजट कटौती की गई है। हमारे देश में तमाम प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उनके लिए कोई बजट में व्यवस्था नहीं है। हमारे देश के खिलाड़ी जो है हताश और निराश है, उनके लिए सोचा जाना चाहिए था। देश में दोहरी शिक्षा नीति है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा, हम लोग लगातार मांग उठाते हैं,
देश में दोहरी शिक्षा नीति है। गांव गरीब का बच्चा पढ़ेगा प्राइमरी में, हिंदी मीडियम पढ़ेगा, और अमीर का बच्चा पढ़ेगा कॉन्वेंट स्कूल में। जब परीक्षा होगी तो एक पेपर आएगा तो अंग्रेजी वाला पास होगा कि वो मिड डे मील वाला पास होगा। अंग्रेजी मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम वाला बड़े घर का बेटा नौकरी पाएगा, गरीब तो गरीब बना रह जाएगा। तो ये दोहरी शिक्षा नीति खत्म करना होगा। इसके बारे में क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, उनको रेगुलर किए जाने की आवश्यकता है। उसके लिए बजट में कोई शिक्षा प्रावधान नहीं। आंगनवाड़ी और सहायिका बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि 10,000 मानदेय किया जाए, उनका कोई प्रावधान नहीं है। किसान कर्ज के बोझ में डूब रहा है। पूरे देश में किसानों के कर्ज माफ करने की कहने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है। बुंदेलखंड में, विदर्भ में किसान आत्महत्याएं कर रहा है। उनको निःशुल्क खाद बीज और पानी, सिंचाई के पानी की फ्री व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। मानो बुंदेलखंड में पान, महोबा का पान बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ की पान की खेती एक तरह से समाप्त हो रही है। पूरे विश्व में पर्यटन से सबसे ज़्यादा आमदनी होती है, लेकिन हमारी सरकार पर्यटन में कितना खर्च कर रही है? ना के बराबर खर्च कर रही है। हम समझते हैं कि अगर पर्यटन में खर्च करें तो हमारे देश में इतने तीर्थ स्थल हैं, इतने पर्यटक स्थल हैं। हमारे बुंदेलखंड में चित्रकूट है, कालिंजर है, संगमेरपुर धाम है, इलाहाबाद है, कालपी है, महोबा है, चरखारी मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट के बारे में हम लोग मांग करते चले आ रहे हैं कि उसको उड़ान योजना के अंतर्गत जोड़ा जाए। मानो बुंदेलखंड में केवल एक ही गाड़ी चलती है, उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति। पूरे देश में संपर्क क्रांति को जोड़ा गया तो, लेकिन उसमें खजुराहो लिंक से जोड़ दिया गया तो आधे यात्री हमारे रेलवे स्टेशन निजामुद्दीन में रह जाते हैं और उधर बांदा मानिकपुर में रह जाते हैं। हम लोगों की मांग चली आ रही है कि खजुराहो के लिए अलग ट्रेन कर दी जाए और संपर्क क्रांति जब उत्तर प्रदेश के लिए उसको पूरी ट्रेन चलाई जाए। इसी तरह से बांदा से बहुत से उधर मानिकपुर चित्रकूट इलाहाबाद से जाते हैं लोग, बॉम्बे जाते हैं, तुलसी स्पेस वीकली चलती है, उसको बहुत दिनों से मांग चली आ रही है कि उसको प्रतिदिन किया जाए। इसी तरह से बांदा के लिए एक ही ट्रेन है तो रिवांचल स्पेस बांदा से दिल्ली से कानपुर होकर के इलाहाबाद चली जाती है। बहुत दिन से मांग चली आ रही है कि दिल्ली से कानपुर, कानपुर से बांदा होकर के रीवा जाए, जिससे कि वहाँ के यात्रियों को सुविधा मिले। मानो बुंदेलखंड की सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए हम लोग बहुत दिन से मांग करते चले आ रहे हैं कि जिस तरह गंगा नहर है उसी तरह से बुंदेलखंड में बांदा में यमुना नहर अवगासी के पास तटबंध बना करके नहर की व्यवस्था कराई जाए। मानो बांदा में अन्ना प्रथा है ज़्यादा बुंदेलखंड में, तो अन्ना प्रथा के लिए किसानों को व्यवस्था कराई जाए, चूँकि किसान उससे परेशान है। और हम यही आपसे कहना चाहेंगे, जब तक इस देश में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार नहीं करेगी, आज देश में कैंसर की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। आप आयुष्मान भारत की बात करते हो, कैंसर के लिए कितने क्या इंतजाम किया, कैंसर का निःशुल्क इंतजाम करना चाहिए कि कैंसर पीड़ित कोई भी गरीब व्यक्ति जो है, इसमें बजट में कोई प्रावधान नहीं है कि देश का कोई भी कैंसर पीड़ित व्यक्ति निःशुल्क उसका इलाज किया जाएगा। इतना महंगा इलाज है, बड़े बड़े आदमी तो विदेश चले जाएंगे, एक एक करोड़, दो दो करोड़ खर्चा करके इलाज करा लेंगे। माननीय एक मिनट, आपको गांव गरीब के लिए कोई इंतजाम नहीं है। तो मानवर ये जो बजट है पूरी तरह से आंकड़ेबाजी वाला बजट है। हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय वित्त मंत्री जी, बुंदेलखंड बहुत परेशान है, वहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है गर्मी में, पीने के पानी का संकट, डब्बे लाइन में लगा दिए जाते हैं 2 बजे रात से, पीने के पानी का संकट, सिंचाई के संकट, तमाम परेशानियाँ हैं। तो हम ज़्यादा ना लंबी बात करके आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि बचपन में पढ़ा था झूठ बोलना पाप है, लेकिन अब 5 साल में यही सीखा है, झूठ हर सफलता का बाप है। धन्यवाद। धन्यवाद विश्वंभर जी समय के अंदर अपनी बात कहने के लिए।